ये नो कह रहे थे आपके राजा बेटा को कि भैया रोज रोज मंदिर पहुंच जाते हो आप, विगत तरीके आप कहीं नहीं घुमा रहे, जरा बता रहे ऑडियंस के सारे, क्योंकि वो गणेश जी आए हुए हैं, गणेश जी आए हुए हैं, रोज चल रहे मोशन, परसों को विसर्जन है जो आज और कल का, उसके बाद तो स्टार्ट अपने श्राद्ध, फिर तो कोई फेस्टिवल है ही नहीं, उसके बाद जो है उसके बाद आपको घुमाएंगे और शहर के श्राद्ध हो जाएंगे शुरू, उसमें कुछ और चीज लोग बनेंगे घुमाएंगे पूरा शहर। बट अभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये साल में एक बार आता है वाला टाइम, और आज तो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज कौन से मंदिर सारी मंडली श्री श्री गोलोकधाम से, और फिर 10 दिन के लिए घर आते हैं तो उनकी सेवा तो बनती है भाई। सही बात है, जब घर आए हुए हमारे गणपति जी, ये देखो आप घर आएंगे तो आप कितनी सेवा करोगे उनकी, करेक्ट, सेवा तो बनती है। तो मंदिर जा रहे हैं आज भी, और आज क्यों जा रहे हैं वो आपको बताता हूँ अभी। तो भैया सभी को राम राम और स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल मुकुल ऑन व्हील्स में। मैं हूँ मुकुल और ये अपने व्हील्स, इनके थ्रू हम जा रहे हैं वापस से श्री गणेश धाम, क्योंकि आज आ रही है वहाँ पे श्री श्री गोलोकधाम से कीर्तन मंडली। वैसे तो सारी मंडलियां ही अच्छी हैं, सब बहुत अच्छा जो माहौल बनाती हैं, पर श्री श्री गोलोकधाम की मंडली के बारे में बहुत सुना है कि भैया वो जब वो आते हैं तो वो खतरनाक माहौल बना देते हैं कुछ अलग ही, तो ये सुना है, तो आज देखता हूँ मैं अभी वाली चीज और आपको भी दिखाता हूँ। और जैसे कि मैं बता रहा था, मम्मी से बात कर रहा था, बाकी ब्लॉग्स भी आएंगे, बट अभी जब ये सब चल रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी बहाने मुझे मौका मिल रहा है, तो माथा टेक के आ पा रहा हूँ, तो चलते सीधा अभी श्री गणपति धाम। पहुंच गए फिर से बाबा के दरबार, और अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, आज और कल का ही है, फिर तो होगा विसर्जन, फिर सारे की सारी चीजें खत्म, फिर आपको जो भाई का शहर है वो घुमाएंगे। बासु सिंगल भाई मुझे रोज मिलते हैं, जैसे मैं आता हूँ रोज, तो भाई भी बाबा के दरबार में रोज ड्यूटी देते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, जब से मंदिर बना बाबा ने सेवा में तब से ही लगा रहा। क्या बात है, जो अग्रिम भाई वगैरह भी हैं, तो इन सबके जो पूरा ये मंडली है ना, सबके सब रोज यहाँ पे सेवा देते हैं भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के तुम्हारे। इसी बात तो बोलेंगे, बोलो खाटू श्याम महाराज की जय हो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अभी चल रहा है अच्छा एकादशी के, उसमें द्वादशी के उपलक्ष्य में भंडारा चलता है, भंडारा हर एकादशी हर द्वादशी हर द्वादशी पे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। छोटा सा प्यार मिलाएगा, छोटा सा प्यारा सा फेवर, नाम क्या है आपका? राघव शर्मा। देखते हो वीडियो? हाँ सारी देखता हूँ। अच्छी लगती है? संकीर्तन जो श्री श्री गोलोकधाम वाले लोग थे, जो वहाँ की मंडली वो रखे थे, और सच में ये मजा मान देते हैं, मजा ही आ गया। और पहले ही मैंने इनके साथ ब्लॉग बनाए हैं, मैंने एक बनाया था पालकी यात्रा का और एक जन्माष्टमी का, तो मैंने वहीं पे बनाए थे, तो बहुत सारे लोग मिले, बहुत ही मजा आया, सबने माहौल बना रखा है जो ये मंडली आ रखी श्री श्री गोलोकधाम से। बट अभी के लिए घर चलते हैं, क्योंकि अपना होता है एज यूजुअल ऑफिस, तो अपनी जो दुकान है वो भी खोलनी है। श्री गणपति खाटू श्याम धाम जो है हमारा, ये इसको मैं देना चाहूंगा एक टाइटल कि मुजफ्फरनगर का मोस्ट हैपनिंग मंदिर जो मैंने देखा वो ये है भाई। कभी भी चले जाओ यहाँ, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, मेरा बहुत मन था बैठने का और साथ में वहाँ पे शूट करने का, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा ऑफिस है और ऑफिस में काम हो रखा है आज, तो इसलिए उल्टा आना पड़ा। बट कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि मोस्ट हैपनिंग मंदिर है ये, और श्री श्री गोलोकधाम भी वहाँ भी बहुत कुछ होता रहता है, तो यहाँ के ब्लॉग्स तो
आगे आगे आते रहेंगे, क्योंकि हमारे शहर का जो ये वाला पार्ट है, जो हमारा शहर जिसको मैं सिटी ऑफ क्राइम की जगह सिटी ऑफ कल्चर बोलने लगा हूँ अब, और सबसे बुलवाना मुझे एक दिन, तो उसके अंदर आपको ये सब चीजें आने वाले टाइम में दिखती रहेंगी, बाकी जो मेरे डेली ब्लॉग्स हैं या फिर जो बाहर घूमने वाले ब्लॉग्स हैं उनके साथ साथ। अभी के लिए मैं चलता हूँ अंदर, गाड़ी अंदर करते हैं और अपनी दुकान खोल के बैठ जाता हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। से करो फटाफट बंद काम करते करते ऑफिस का, और एडिटिंग करने के बाद फ्री हुआ हूँ मैं, 4:30 बजे फ्री हुआ हूँ, और इस टाइम घर में सब सो जाते हैं, सब ये भी सो जाता है, देखो मस्त सोया हुआ। खैर तो अभी के लिए सोते हैं, क्योंकि कल मुझे एक जगह से बुलावा है, बुलावा क्या मेरा खुद भी जाने का बनता है वहाँ पे, तो एक डांस अकेडमी है, बहुत स्पेशल डांस अकेडमी है। ये मैं स्पेशल वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, और आपको बाद में समझ में आ जाएगा। मतलब कहने की बात यह है कि वो कोई नॉर्मल डांस अकेडमी नहीं है, वो एक बहुत अच्छा काम करते हैं, तो वहाँ जाने का प्लान हो रहा है, कल 2 बजे जाना है वहाँ पे, तो इसलिए फिर अभी के लिए सोते हैं। और फाइनली 2 दिन का वीक ऑफ है कल और परसों का, तो काफ़ी सुकून की नींद आने वाली है, और आपसे मिलते हैं सीधा सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। तो जी हो गया अगले दिन, अगली सुबह। पर वैसे तो मैं पहले ही उठ गया था, क्योंकि मैं गया था जो मैं बता रहा था कि आपको कल रात के डांस अकेडमी में जाना है, वहाँ मैं उठ गया हूँ अभी, और कसम से बता रहा हूँ कि बहुत ही अलग, बहुत ही स्पेशल जगह है वो। मतलब स्पेशली एबल्ड बच्चों से मिला मैं, 5-6 बच्चे उन्होंने डांस किया, उनसे मैं मिला, उनसे बातें की, उनके बारे में जाना, तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही मतलब वर्ड्स में बताने लायक चीज़ नहीं है, तो वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा व्लॉग में, बट उसका व्लॉग बहुत लंबा व्लॉग है, उसको मैंने रखा है अलग, तो वो वाला व्लॉग इससे अगला होगा, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अलग है, तो पहले तुम कर लो। अगर आपको लगता हो व्लॉग्स में की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो ये मैडम बोलती है, ये मेरा डैश कैम लगा हुआ है, ये आगे का सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है 24 घंटे सेफ्टी के लिए, बहुत काम की चीज़ है, आई वुड सजेस्ट कि सबको लगवाना चाहिए अपनी गाड़ी में। खैर बात यह है कि वाला व्लॉग इससे अगला होगा, और बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही अलग चीज़ होने वाली है वो, बट अभी के लिए जो आपने देखा होगा पिछले, अरे मान जा मैं बात कर लूँ, जो आपने कुछ टाइम पहले व्लॉग में देखा होगा, मैंने बनवाया था मम्मी के साथ जाके एक कुर्ता, जो अपने शहर में एक शॉप है मुजफ्फरनगर खादी भवन, वहाँ से बनवाया था, तो उसके लिए मैंने फिटिंग दी थी, तो आई गेस वो तैयार हो गया होगा बनके, तो उसको लेने चलते हैं और देखते हैं कि पहन के लग कैसा रहा वो। तो जी कुर्ता ले लिया है, ये थी अपनी शॉप खादी भवन, यहाँ से ले लिया अपना कुर्ता, इसको पहन के देंगे घर जाके, फिर बताऊंगा फिटिंग कैसी है, और मुझे भी देखना है कि मेरी चॉइस ठीक थी या नहीं थी, क्योंकि बन के आए तो देखते हैं घर जाके पहन के इसको कि लग कैसा रहा है। अभी के लिए जा रहे हैं, जो मैंने बताया था पिछले व्लॉग में कि श्री खाटू श्याम बाबा का जो मंदिर है वहाँ पर लग रही है चांदी, पूरा का पूरा उनका सिंहासन बनेगा चांदी का, इसमें लगेगी 70 किलो चांदी, तो सबका अपनी अपनी श्रद्धा देने की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जब मैं इतना जाता हूँ वहाँ पे, और मेरा भी मन से आया कि मैं भी बाबा के लिए अपने एंड से कुछ भेंट दूँ, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी तरफ से 10 तोला चांदी, बाबा का जो दरबार है वो जो बन रहा है उसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ की भी, मतलब बस मेरे मन में आया कि मेरे हाथ की भी वहाँ पे चांदी होनी चाहिए, तो इसलिए ये प्लान बना है, और फटाफट लेने जा रहे हैं, क्योंकि कल मेरी तरफ से चांदी भेंट होगी, उसका थोड़ी सी पूजा करा के कल 12 बजे वो काम होना है, और फिर ले जाएंगे श्राद्ध, तो इसलिए अभी निपटाना है काम, 8 बज रहे हैं, तो इसलिए फटाफट आए शहर की साइड लेने के लिए चांदी, फटाफट लेते हैं और फिर चलेंगे वापस घर। फिर से पहुंच गया वहीं पे जो हमारा जहाँ दिन में है था, दोबारा आना पड़ गया यहाँ पे, जब आई गया हूँ तो आप भी भोले भगवान के दर्शन कर लो, साथ में बोल दो मेरे भी हर हर महादेव। ये हमारा सराफा बाजार है, हमारा सराफा बाजार अंदर जो गली है इधर वहाँ जाम जाएंगे, वहाँ पूरा सारी यही शॉप होती है ज्वेलरी वगैरह, ये है मेन रामकुमार वाली जो हमारे शहर का बहुत फेमस है, बट हम यहाँ से नहीं लेंगे, हम लेंगे मेरे बड़े भाई का दोस्त हैं, अपने बड़े हैं, उनका नाम शिवम भैया, उनकी शॉप से लेंगे, क्योंकि उनका भी काम यही है, तो फटाफट पहुँचता है वहाँ पे, उनकी शॉप गली में अंदर। भैया अपने शहर की पतली पतली गलियाँ, ये मुझे भी याद नहीं है, कौन सा मार्केट, ताराचंद मार्केट, तो यही अंदर जाके शॉप है, ये है वाली शॉप जहाँ से हम लेंगे, हरीश चंद्र नितिन कुमार मम्मी बैठ गई अंदर। तो जी चांदी ले लिया मैंने, अभी दिखाऊंगा, बहुत सुंदर है दिखने में, और यही मिल गया सब्सक्राइबर अपने नाम के भाई का, देखते हो वीडियो अच्छी लगती है, सही बताओ झूठ नहीं बोलना, सच में आपके 11,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेके आ गए थे चांदी, बहुत ही प्यारी चांदी है, मतलब वैसे तो मिली थी लूज में, चूरा डेली के रूप में, उसमें मजा नहीं आता देखने में, डेली के रूप में वो अच्छा लग रहा है, हम लगे हैं ये वाली शेप का, और ये 100% प्योर है, और ये प्योर है सबसे, और लिखा है 100 ग्राम करके, हाँ, और पूरा नोट की शेप में बना हुआ है, एक तरह से जैसे डॉलर होता है, हाँ डॉलर या नोट कह लो। देने का प्रोग्राम तो कल का है, बट अभी भी देखते हैं, क्योंकि अभी हम मंदिर पे हैं, क्योंकि मैंने सोचा है कि रोज टाइम निकाल के जब मैं शहर में आऊंगा जब तो खाटू श्याम बाबा पे मत्था टेकने आऊंगा, तो अभी फिलहाल मत्था टेकने के पर्पस से आया हूँ, बट अगर मौका मिला तो अभी वेट कर देंगे, वरना कल का प्रोग्राम तो है ही। मैं इसमें एक तोला, मेरे पास घर पे सिक्का है वो भी प्योर अंग्रेजों के टाइम वाला, तो वो 11 हो जाएगी शगुन की, 11 तोले शगुन की हो जाएगी, एक तोला मम्मी का, 10 मेरा, चलो देख लेते हैं पहले, बोलो बाबा खाटू श्याम की जय। आज भी यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, मतलब रोज कीर्तन होता है, रोज
मोस्ट हैपनिंग मंदिर ये कर लो आज के दर्शन बाबा श्याम के। और हर दिन जो ड्रेस है वो चेंज होती है हर दिन, तो इसलिए मैं आपको हर दिन दिखाता हूँ। आज की ड्रेस अलग है। जो मंदिर परिसर है हमारा, इस मंदिर परिसर में जो ये वाले शिवलिंग है ये अभी स्थापित हुए हैं और हर दिन इनका भी श्रृंगार होता है। जैसे उज्जैन में होता है, जैसे आज का चेहरा ये वाला है तो कल कुछ और होगा। यही मिले थे कुछ सब्सक्राइबर बच्चे, बच्चों का नाम बताओ। आपका देखो वीडियो अच्छी लगती है आपका, ऐसे देखते रहना सपोर्ट करते रहना। और ये एक बता दिया आपका नाम राजेश वर्मा, राजेश वर्मा जी। नेक्स्ट वीडियो में आज हुआ था यहाँ पे सुंदरकांड, तो सुंदरकांड का हवन जो हुआ था वो रखा हुआ है, अभी भी सुंदरकांड चल रहा है। तो आस्था मंदिर में सुंदरकांड देख लिया माथा, चलते हैं घर। इसी बातें बोलेंगे खाटू श्याम महाराज की जय। भैया घर आ गए थे, फिर घर आने के बाद पहन के देखा अपना बुढ़ा पजामा, ऐसा लग रहा है। तो जहाँ से लिया तो मैंने आपको देखा, जो मास्टर जी उन्होंने बहुत अच्छी सिलाई सिली है और मुन्ना भैया का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतना कपड़ा सजेस्ट किया था, इसको पहन के गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही। तो बाकी आप बताना देखे लग कैसा रहा है। अगर आपको गणपति विसर्जन का व्लॉग देखना है तो एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि कल है विसर्जन और आप लोग सब कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, जिससे कि मोटिवेशन मिलती है और मेहनत करने की और ब्लॉग सुनाने की शेयर की। बस एक दिक्कत है कि आप शेयर नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो या कोई भी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको शेयर जरूर करना, अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे या फेसबुक पे डालो, कहीं भी डालो, अपने दोस्तों को भेजो, फैमिली में भेजो, बस फैला दो, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसे ही मेहनत करने की और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स बनाने की। तो कल जो विसर्जन है उसका ब्लॉग आएगा परसों को, क्योंकि कल जो मैंने बताया कल डांस एकेडमी का ब्लॉग आने वाला है, जिसको देख के आपका दिल गार्डन गार्डन नहीं हुआ तो भैया पूरे पैसे वापस। तो इसलिए पहले कल उसको देखना, फिर परसों को दिखाऊंगा आपको विसर्जन। तो इसलिए मिलते हैं सीधा फिर उसी डांस एकेडमी वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और जय श्री श्याम।